राजस्थान की पूरी 25 लोकसभा सीटों पर हार जीत लगभग तय हो चुकी है। सबसे पहले अगर बात करें चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने सीपी जोशी जबकि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के सीपी जोशी चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के सीपी जोशी चुनाव जीते थे और 2024 में भी यहां से बीजेपी के सीपी जोशी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें अजमेर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने भागीरथ चौधरी जबकि कांग्रेस ने रामचंद चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के सावरलाल जाट चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी के भागीरथ चौधरी चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के रामचंद चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें बीकानेर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल जबकि कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल चुनाव जीते थे और 2024 में भी यहां से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें भीलवाड़ा लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल जबकि कांग्रेस ने सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के सुभाष बहरिया चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के सुभाष बहरिया चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के सीपी जोशी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें गंगानगर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने प्रियंका बैलान जबकि कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें नागौर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा जबकि कांग्रेस आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से सीआर चौधरी चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से एनडीए के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से इंडिया के हनुमान बेनीवाल की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें राजसमंद लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने महिमा कुमारी जबकि कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के हरिओम सिंह राठौर चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी की दिया कुमारी चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में यहां से बीजेपी की महिमा कुमारी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें चूरू लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया जबकि कांग्रेस ने राहुल कस्वा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के राहुल कस्वा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के राहुल कस्वा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के राहुल कस्वा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें पाली लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने पीपी चौधरी जबकि कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के पीपी चौधरी चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के पीपी चौधरी चुनाव जीते थे और 2024 में भी यहां से बीजेपी के पीपी चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें झुंझुनू लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने शुभकरण चौधरी जबकि कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के संतोष अहलावत चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी के नरेंद्र कुमार चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के बृजेंद्र ओला की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें जोधपुर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत जबकि कांग्रेस ने करण सिंह उचियारड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें सीकर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने सुमेधानंद सरस्वती जबकि कांग्रेस सीपीआई ने अमरा राम को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से इंडिया के अमरा राम की जीत लगभग तय है।
इसके बाद अगर बात करें बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जबकि कांग्रेस बीएपी ने राजकुमार रूट को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के मानशंकर निनामा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी के कनकमल कटारा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से इंडिया के राजकुमार रूट की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें जालौर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने लूंबाराम चौधरी जबकि कांग्रेस ने वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के देवजी पटेल चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के देवजी पटेल चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के वैभव गहलोत की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह जबकि कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें उदयपुर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने मन्नालाल रावत जबकि कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के अर्जुनलाल मीणा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के अर्जुनलाल मीणा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से बीजेपी के मन्नालाल रावत की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें कोटा लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने ओम बिरला जबकि कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजर को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के ओम बिरला चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के ओम बिरला चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजर की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें जयपुर शहर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने मंजू शर्मा जबकि कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के रामचरण बोहरा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के रामचरण बोहरा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से बीजेपी की मंजू शर्मा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें अलवर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने भूपेंद्र यादव जबकि कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के महंत चांदनाथ चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी के महंत बालकनाथ चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के ललित यादव की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें भरतपुर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली जबकि कांग्रेस ने संजना जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी की रंजिता कोहली चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस की संजना जाटव की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने दुष्यंत सिंह जबकि कांग्रेस ने उर्मिला जैन को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के दुष्यंत सिंह चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के दुष्यंत सिंह चुनाव जीते थे और 2024 में भी यहां से बीजेपी के दुष्यंत सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें करौली धौलपुर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने इंदु देवी जाटव जबकि कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के मनोज राजौरिया चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के मनोज राजौरिया चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के भजनलाल जाटव की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया जबकि कांग्रेस ने हरिश्चंद्र मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी यहां से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें बाड़मेर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने कैलाश चौधरी जबकि कांग्रेस ने उम्मेदवार बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी चुनावी मैदान में हैं। 2014 में यहां से बीजेपी के सोनाराम चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी के कैलाश चौधरी चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के उम्मेदवार बेनीवाल की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगर बात करें दौसा लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा जबकि कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से बीजेपी के हरिश्चंद्र मीणा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में यहां से बीजेपी की जसकौर मीणा चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा की जीत लगभग तय है।
लेकिन आपके अनुसार राजस्थान की 25 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी कितने कितनी सीट जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।